वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है, पहले डिटरमिनेंट में दिया है, पहले कॉलम में वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरे कॉलम में दिया है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन दिया हुआ है, तीसरे कॉलम में ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा इक्वल टू जीरो। यहाँ ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? जब भी बिल्कुल ओमेगा जो है ये बिल्कुल एक डब्लू का ही फॉर्म होता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू की तरह ही होता है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, इसको लाना है जीरो। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है, तो इसे एक इकाई अधिकल्पित घनमूल कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म से हम इसको तोड़ते हैं, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला बन रहा है ये अलजेब्रा मेथड से। तो यहाँ पे ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये दिया हुआ है, तो आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, ओमेगा क्यू इक्वल टू वन के दो फैक्टर, इसके तीन घनमूल हैं, तो ओमेगा ओमेगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ओमेगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से। और दूसरा बनता है ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस वन या ओमेगा स्क्वायर प्लस वन माइनस ओमेगा के हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हमको इनमें से जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसको हमें राइट हैंड साइड में कर देंगे तो उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो बस हमें इसका यही रूल्स निकालना है, ये निकला है इसी से। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू जीरो, यहाँ पे यही समीकरण यहाँ पे लगेगा इसी फॉर्मूले में। सारणिक में दिया क्या है, अगर हम कॉलम C1 को कॉलम C2 को जोड़ देते हैं और एट C1 पे करते हैं तो क्या होगा, वन प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन और ये ओमेगा। देखिए यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये सातवीं प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, अगर किसी भी सारणिक में उसके किन्हीं भी दो आसन पंक्तियों को या दो आसन स्तंभों को आपस में हम जोड़ या घटा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रूल्स लगाए ये सातवीं प्रॉपर्टी के अनुसार लगा हुआ है। तो यहाँ पे वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा को क्या कह सकते हैं, वन प्लस ओमेगा को क्या कह सकते हैं, वन प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, माइनस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन को क्या कह सकते हैं, माइनस ओमेगा। ये हो गया ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वन, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये वन और ये ओमेगा दिया हुआ है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे ओमेगा, ये दोनों का जो सेम है, बस इसमें माइनस का टर्म्स है वो आपको जब किसी भी सारणिक में आसन पंक्तियों में, जब किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कोई भी टर्म्स अगर कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसका जो कॉमन टर्म्स होता है उसको बाहर कर लेते हैं, यानी कि उस सारणिक का जो फॉर्म है जो कॉमन है उस सारणिक में उसी कॉमन टर्म्स को सारणिक में मल्टीपल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें माइनस कॉमन है तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया,
यानी कि हम इसे माइनस, इसमें माइनस वन कॉमन है तो हमने इसमें माइनस वन ले लिया। अब माइनस वन जब ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, जीरो लाना है। तो यहाँ पे ओमेगा का एक इकाई अधिकल्पित घनमूल है, उस इसकी मदद से ये वाला फैक्टर निकला हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू जीरो, इसकी मदद से ये वाला टर्म्स आया है। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम सी वन जो है वो कॉलम सी थ्री के इक्वल है। जब किसी भी सारणिक में अगर दो आसन पंक्तियां या दो आसन स्तंभ आपस में सेम है तो उस सारणी की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाती है। तो ये माइनस वन और ये जीरो, तो जब जीरो हो जाएगा तो ये अपने आप ये जीरो हो जाएगा। तो आपको ये आरएचएस का टर्म्स लाना था, तो ये आ गया। तो ये जो है आपने एलएचएस टर्म्स लिया था और आरएचएस टर्म्स आपका आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है रूल्स के मुताबिक। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो आसन पंक्तियां या दो आसन स्तंभ आपस में सेम होते हैं तो उस सारणी की वैल्यू जीरो होती है। तो चौथे प्रॉपर्टी के अनुसार ही उस सारणी की वैल्यू जीरो ही। बिना प्रसार किए दिखाना यह है कि समीकरण का एक मूल जो है शून्य है। तो यहाँ पे समीकरण का एक मूल जो है वो शून्य है, जीरो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए, जीरो एक्स प्लस सी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और ये जीरो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीरो। तो हमें इस समीकरण में क्या दिया है, ये एक एक्स के फॉर्म में आपका एक समीकरण दिया हुआ है और इसका एक समीकरण का एक मूल जो है वो शून्य है, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो है। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो इसमें रखते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर नाइन के अकॉर्डिंग है, अगर किसी भी सारणिक में कोई भी चर पद अगर निहित है, अगर उस सारणिक में उस समीकरण का एक समीकरण का कोई भी रूट अगर जीरो के बराबर है तो उसमें से एक्स की वैल्यू ए रखने पर, उस सारणिक में एक्स की वैल्यू ए रखने पर सारणिक का मान, सारणिक की जो वैल्यू होती है वो अपने आप जीरो हो जाती है। बस ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कैसे जीरो होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, दिया गया एक समीकरण का बिना प्रसार किए कि दिखाना है कि समीकरण का एक मूल जो है शून्य है। तो शून्य है तो इसमें रखेंगे, जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें जीरो प्रूफ करके लानी है। तो जीरो रख दिया, तो जब इसमें जीरो रखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एक्स ये आपका माइनस ए हो जाएगा, ये जीरो, ये सी हो जाएगा, ये माइनस बी, ये माइनस सी और ये जीरो। तो रूल्स के मुताबिक यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर सारणिक में, तो ये मैंने क्या लिया, एलएचएस टर्म्स लिया है। अब आपको सॉल्व क्या करना है इसमें, हाँ अब आपको इसमें करना ये है, यदि हम आर टू में आर थ्री माइनस कर दें और उसको आर टू में रख दें, उसको आर टू में कर दें रूल्स के मुताबिक। ये प्रॉपर्टी नंबर सातवीं प्रॉपर्टी के अनुसार है, अगर किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में किसी भी स्तंभ में दो आसन पंक्तियों को या दो आसन स्तंभों को अगर उसमें जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सातवीं प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, प्रॉपर्टी नंबर सात। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं, जीरो ए माइनस बी और ये बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा। अगर इसमें हम आर टू में आर थ्री घटा रहे हैं तो जब घटाएंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा और ये आपका सी होगा, माइनस बी इसमें माइनस सी, इसमें ये घटाएंगे तो माइनस सी तब भी रहेगा, ये जीरो रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें बी है,
इसमें क्या करना है? ए सी और ये सी माइनस सी ए जी बी, अगर हम सी वन में सी टू में सी टू में सी टू में सी टू में सी थ्री माइनस कर दें, सी टू में सी थ्री को माइनस करते हैं और उसको सी टू में रखते हैं, जीरो ए माइनस बी और ये बी, सी टू में सी थ्री माइनस करते हैं, सी टू में सी थ्री माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए ये प्लस बी हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये माइनस सी, और इसमें अगर हम करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस सी हो जाएगा, और इसमें अगर करेंगे तो ये माइनस जीरो ही होगा, और माइनस बी माइनस सी और ये जीरो दिया हुआ है, जीरो ए माइनस बी और ये बी, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी और ये जीरो, बी माइनस ए हो जाएगा, ये जीरो ये सी, ये माइनस बी माइनस सी ये आ गया, रूल्स के मुताबिक। अब इसको क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम ये वाला टर्म्स लेते हैं, ये वाला टर्म्स लेते हैं प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर हम प्लस वाला टर्म्स लें, ये वाला टर्म्स लेते हैं, तो ये प्लस वाला टर्म्स लेंगे तो ये वाला टर्म्स छोड़ना होगा, ये वाला टर्म्स छोड़ना होगा, तो आपको ये लेना होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो है तो जीरो की, तो अगर एक सहगुणनखंड जब निकलेगा तो अगर सहगुणनखंड का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस बी माइनस ए वाला लेते हैं, अगर हम बी माइनस ए लेते हैं तो क्या बचेगा, तो नए साइड में ये वाला टर्म हटेगा, ये साइड का हटेगा, तो आपका ए माइनस बी आ जाएगा और ये बी आएगा, उसके बाद माइनस सी बचेगा और ये जीरो बचेगा, फिर उसके बाद अब प्लस बी, तो ये माइनस बी माइनस लिया माइनस आ गया, अब ये प्लस वाला टर्म्स है, अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव चलता है साइन, तो यहाँ पे माइनस बी पहले से है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस बी सारणिक क्या होगा, इसका सहगुणनखंड क्या होगा, ये वाला टर्म्स हटेगा और ये वाला टर्म्स हटेगा, तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म्स लिया जाएगा, ए माइनस बी और ये बी, ये जीरो और ये सी। अब इसके आगे सारणिक रूल्स के हिसाब से नहीं लग पाएगी, सिर्फ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही इसको प्रसार करके ही निकाला जा सकता है, इसका माइनस बी माइनस ए ये जीरो हो गया तो ये क्या होगा, अगर ये प्लस में हुआ तो ये माइनस में होगा, ए माइनस बी जीरो हो गया और फिर ये प्लस हुआ तो ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, तो ये बी सी में आ गया, फिर माइनस बी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ए सी माइनस बी सी और ये वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्या बचा माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, तो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा और माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो हो गया, इस तरीके से प्रूव हो जाता है। तो जहाँ तक होता है, जहाँ तक रूल्स लग रहा है वहाँ तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर सॉल्व अगर रूल्स नहीं लग पा रहा है तो आप सिंपल सा आप उसका प्रसार कर दीजिए,
उस सारणी को पहले सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, अगर उसके आगे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप उसको प्रसार करके भी उसका आंसर जीरो ला सकते हैं, मतलब कि आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।